देखो ये पूरा लीकेज कर रहा है इस साइड में, थोड़ा सा अभी इसको हम मूव करते हैं तो ये पूरा पानी लीकेज हो रहा है। ये गीजर का टैप है, इसको अभी हम स्पिंडल इसका चेंज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर गीजर का वॉल बंद कर देते हैं, एंगल वॉल, इसको हमने कर दिया है बंद अभी। और देख सकते हो आप अभी यहाँ पर पानी कम हो गया है, अभी ये बंद हो जाएगा। और यहाँ पर ये देख सकते हो मैंने खोल दिया पूरा टैप, पानी नहीं आ रहा है। इसको भी हम कर देंगे अभी बंद, चालू करके देखते हैं। मैंने लिया है यहाँ पर मिट्टू पाना टपरिया का, देख सकते हो आप, इससे हम खोलेंगे उसका उसका स्पिंडल अभी हम खोलेंगे इस मिट्टू पानी से। सबसे पहले हम लेंगे एलेंकी, एलेंकी से हम इसको अभी ऊपर का कैप निकाल देंगे। ये निकल गया है कैप, अभी हम इसको स्पिंडल को निकालेंगे इस मिट्टू पानी से। ये रहा हमारा स्पिंडल, कुछ इस तरह से दिखता है। अभी हम इस मिट्टू पानी से उसको खोल देंगे स्पिंडल को। देखो अभी ये खुल गया है, ये देखो अभी ये पूरा इस तरह से दिख रहा है। ये खोलते वक्त इसका कैप टूट गया, तो इसके ऊपर अभी हम लगाएंगे दूसरा कैप। ये रहा स्पिंडल, लगभग सेम ही है, तो अभी हम लगाएंगे नया स्पिंडल। ये रहा पुराना स्पिंडल, घर में ही इसको सुधार सकते हो, घर बैठ। प्लम्बर को बुलाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास ये मिट्टू पाना होना चाहिए, या पेंचिस से भी आप काम चला सकते हो इसका। अभी मैंने इसके ऊपर की कैप लगा दी है। इसको हम एलेंकी से टाइट कर देंगे, देख सकते हो अभी ये पूरा अच्छे से काम कर रहा है। अभी हम गीजर का वॉल शुरू कर देंगे, ये देखो पानी आ रहा है अब गीजर में से, गीजर के टैप से। अभी देखो यहाँ पर लीकेज नहीं हो रहा है, अच्छे से पानी आ रहा है, देख सकते हो आप। इस तरह से आप स्पिंडल चेंज करके अपना टैप सुधार सकते हो।